सो चलिए गाइज, मैं आज की इस वीडियो में एक ऐसी पोस्ट के बारे में बात करूंगा कि हो सकता है आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना हो। देखिए, ये पोस्ट है APS यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, आप इंग्लिश में कह सकते हैं, या फिर अपर निजी सचिव। देखिए, मैं इस बंदे का नाम और इस बंदे का काम क्यों बताना जा रहा हूँ। ये एक बंदा है और वाकई में मैं इसको सल्यूट करता हूँ और मैं भी इसको फॉलो करता हूँ, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए, होम टाउन पे किसी को जॉब अगर मिले और वो भी सचिवालय में, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। देखिए, पहले तो मैं इसका नाम बताऊं, ये दीपक कुशवाहा इनका नाम है। और अगर यूपी सचिवालय में आने वाले टाइम में जो APS एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी या अपर निजी सचिव, जो भी कह लीजिए, इसकी अगर पोस्ट आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा जो श्रेय या क्रेडिट आप कह लीजिए, वो इसी बंदे को जाता है। देखिए, 10 साल से 11 साल होने वाले हैं और ये भर्ती 2013-10 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, उसके बाद अब आने वाली है, जैसा बिल्कुल कन्फर्म है। क्योंकि ये आप देख रहे होंगे सामने, आपको जो दिख रहा है ये एक विज्ञप्ति है, एक अखबार का कटिंग है, जिसमें ये लिखा गया है कि अपर निजी सचिव, जो आगामी अपर निजी सचिव की भर्ती है जो आने वाली है, 300-350 के आसपास वैकेंसी है, मैं ये भी नहीं जानता कितनी एग्जैक्ट है, उसमें कृति देव यानी कि जो कमीशन था UPPCS, ये कृति देव 10 में ही स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग लेता था, ट्रांसक्रिप्शन आप कह लीजिए शॉर्ट एंड की, लेकिन अब ये मंगल का भी ऑप्शन देगा, ठीक है, मंगल फॉन्ट का भी ऑप्शन देगा। तो ये एक बहुत छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने सालों से नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। और ऐसा नहीं है पहली बार ये मुद्दा उठ रहा है, पहले भी ये मुद्दा उठ चुका है, लेकिन अब हो रहा है, जाहिर सी बात है, इसी एक बंदे की वजह से, दीपक कुशवाहा। और मैं वाकई में इस बंदे को फॉलो भी करता हूँ और मैं सल्यूट करता हूँ कि इसने बहुत बेहतरीन काम किया है। श्रेय तो बहुत कोई लेता है, लेकिन वाकई में श्रेय देना भी बहुत बड़ी बात है। तो इस बंदे ने किया, मैं इस भर्ती के बारे में आपको बता दूँ कि भर्ती में ऐसा है क्या। तो अपर निजी सचिव के लिए जो ग्रेड पे है वो 4800 ग्रेड पे है, पहली चीज़ तो ये, और दूसरा गैजेटेड पोस्ट है। इसके लिए अगर आप हिंदी के शॉर्ट हैंड वाले हैं या हिंदी आशुलिपि वाले हैं, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पहली कंडीशन तो यही है, जो बिल्कुल सीधी है, आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर दो कंडीशन ये भी क्लियर है, और CCC जो है इसको भी, देखिए समकक्ष की जो परिभाषा थी वो बार बार कमीशन देता था, लेकिन इसमें भी जो त्रुटि है उसे सुधारने वाला एक आदमी है, वो है दीपक कुशवाहा। तो इसने भी अब CCC में, इन्होंने भी जो ये CCC है, इसकी कंपलसरी को एकदम एग्जैक्ट कर दिया, यानी कि कमीशन सीधा लिखेगा कि भाई CCC ही चाहिए, बस और कुछ नहीं, O4, ABCD कोई लेवल नहीं, सिर्फ CCC। तो ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, इस पोस्ट की एक खासियत है, अगर आप SSC में लगते हैं, अगर आप DSSB में लगते हैं, अगर आप किसी भी कमीशन में लगते हैं, तो 99% जो डिपार्टमेंट्स हैं वो 2 languages, यानी कि अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं, तो उसका एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं देता, आपको सीखना ही पड़ेगा, ये लिखा होता है। अगर आप इंग्लिश के हैं तो हिंदी सीखनी पड़ेगी, हिंदी के हैं तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, हालांकि कोई सीखता नहीं है, काम चल जाता है, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज के स्टेनो जहाँ पर डिपार्टमेंट को ज़रूरत है वहाँ हो जाते हैं, तो कोई सीखता नहीं है, बट सीखना चाहिए, ऐसा लिखा होता है। लेकिन UPPCS की इस भर्ती में अगर आप हिंदी से क्वालिफाई करते हैं, करना ही है, वही कंपलसरी है, अगर आप इंग्लिश में भी क्वालिफाई करते हैं, तो आपको एक पे एक्स्ट्रा मिलेगा हिंदी वाले से, ये भी एक बेनिफिट है। तो आप एक पे लेवल एक्स्ट्रा मान लीजिए, अगर 8 आपको मिलती है तो 9 या फिर 10, जो भी ये फिक्स करते हैं, क्योंकि 9-10 सेम है 5400 ग्रेड पे का, ये क्या डिसाइड करते हैं वो इनके ऊपर है। तो देखिए, ये भी एक बेनिफिट है। तो पोस्ट बहुत अच्छी है, आने वाली है, और मेरे हिसाब से क्रेडिट मैं इसको दूँ, इसीलिए मैंने इस बंदे के बारे में ये वीडियो बनाई है। वाकई में ये काबिले तारीफ है, और पिछले 4-5 साल मेरे, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है उससे पहले भी ये बंदा इस चीज़ के लिए लगा हुआ है 4-5 साल से, कि सारे सुधार हो जाएं और धांधली ना हो, और एक निष्पक्ष, एक प्रॉपर जो सिलेक्शन है वो हो इस APS भर्ती में। तो इसके लिए इसने काम किया है, और वाकई में जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा नोटिफिकेशन में क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, और उस दिन भी मैं इस बंदे को एक सल्यूट जिसे कहते हैं, या फिर एक रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, मैं दूंगा।